यहाँ पे 7 महीने हो गए, तो मैं आपको कुछ रियलिटी चेक देने वाला था, बताऊंगा कि मेरी क्या इनकम रही, कैसे रहा, जो सोचना है करना है कर दो। मेरा मैसेज यही होगा कि हाँ भाई अब्रॉड चूज करो। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो भाई चैनल पे जो भी नया है सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो। भाई मम्मी से वादा किया 1 लाख सब्सक्राइबर पे इंडिया आऊंगा, तभी फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो गाइज मेरा नाम है अभय और मैं अभी सीधा ऑस्ट्रेलिया से। आज मेरे को भाई यहाँ पे 7 महीने हो गए, तो मैं आपको कुछ रियलिटी चेक देने वाला था, क्योंकि मैं देखता हूँ यार लोग ना बहुत गलत गलत चीजें फैला रहे हैं यूट्यूब पे, इसका कोई सही यूज नहीं कर रहा है। फ्रॉम द टाइम मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ, मैं बस एक ही मेरा मोटिव रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल रियलिटी दिखाऊं यहाँ पे जो चीजें होती है ना, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास, यार मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ ना, आप सब हम इंडिया में मोस्ट फैमिली सब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हम सबके सपने होते हैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना। तो आज उसके रिलेटेड ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ आपको अब्रॉड चूज करना चाहिए, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मेरी क्या इनकम रही, कैसे रहा, सब कुछ कैसा रहा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। तो मैं बताता हूँ, मेरा फैब इनटेक था, ठीक है, और मैं नवंबर में आया था। तो नवंबर में आने का मेरे को ये फ़ायदा मिला, मेरे को 3 महीने ज़्यादा मिल गए थे। क्यों? क्योंकि फ़ीस जमा करनी होती है आपको 6 महीने बाद, तो 3 महीने मेरे को ज़्यादा मिल गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार इन 3 महीने में अच्छे से मेहनत करूँगा। तो वो और उस टाइम न्यू ईयर था, पीक था, तो चीज़ें भी बिजी थी, काम भी अच्छा था, तो मेहनत की अच्छे से, ठीक है, चीज़ें बढ़िया से बढ़िया, मतलब सब अच्छा था, क्वाइट हर चीज़ बिजी चल रही थी। फिर मैंने 1 महीने बाद ये गाड़ी ले ली थी रेंट पे, ठीक है। तो गाड़ी का बहुत सपोर्ट है भाई यहाँ पे ना, आपके पैर है ये, अगर गाड़ी नहीं है ना आपके पास तो कुछ नहीं होता। गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में कई चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे हम इंडिया में जॉब करते हैं, मैं इंडिया में जॉब करता था, मैं फेडअप हो गया था 9 से 5 की शिफ्ट से, ठीक है। वैसे मैं उससे पहले भी कुछ करता था, वो मैं कभी और बताऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल में जब मैं अब्रॉड आने से पहले एक साल जॉब कर रहा था अमेजोन में, तो वो जॉब मैंने छोड़ी, इसलिए उसमें मेरी सैलरी अराउंड 35K 40K के बीच में थी, और भाई पूरा 9 घंटे काम करना रहता था, और फिर 5 दिन काम, 5 दिन 6 दिन बनानी याद नहीं मेरे को, 2 दिन छुट्टियाँ होती थी, ठीक है। तो मैंने लैंडेड एयर, मैंने डिसाइड किया कि यार मेहनत करेंगे, क्योंकि वो चीज़ अपने से नहीं होगी, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, और मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते ये 9 से 5 वाला, सबको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, सबको कुछ करना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा करियर से रिलेटेड, आप सबको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने करियर के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, लाइफ बहुत छोटी है भाई ज़्यादा सोचने के लिए, इसलिए जो सोचना है करना है कर दो, ठीक है। मैं आया यहाँ पे यार, मैंने देखा बड़ा आसान है यार, बच्चों को अर्ली सक्सेस चाहिए, आजकल बच्चों को इतनी भूख है, 12th के बाद आ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्ली सक्सेस का मतलब पैसा, आपके पास पैसा है तो सक्सेस है। 12th के बाद यहाँ पे आके $1500-2000 मेहनत करके कमा लेते हैं लड़के, क्योंकि चूज़ कर लेते हैं बहुत ट्रेड कोर्स जिसकी फ़ीस होती है 10-15 हज़ार साल की, तो बहुत इजीली हो जाता है यार, वो तो आप आराम से 1000 महीने के बचाओगे, 1.5 हज़ार, वो भी उसमें 1.5 हज़ार भी नहीं यार, 800, क्योंकि 15 हज़ार हुए 24 महीने में 15 हज़ार, तो आपको कुल मिला के वो भी सेव नहीं करना, 1000 भी सेव नहीं करना, तो आप देख लो कितना इजी हो जाता है, और फीस के 15 हज़ार ट्रेड कोर्स में, मगर यही बात अगर मास्टर्स में आती है 70 हज़ार, तो वहाँ चीज़ें बदल जाती है, तो कहाँ 15 हज़ार कहाँ 70 हज़ार। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, इससे ही आपका पूरा एक्सपेंस में फ़र्क आ जाता है। अगर आप 70 हज़ार के मास्टर्स कर रहे हो तो आपके पैसे नहीं बचेंगे, मगर उसमें भी मैं आपको बताऊंगा लाइफस्टाइल तो आप अच्छा यहाँ पे जी सकते हो, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे बहुत साफ सुथरी, जैसे आप देख ही रहोगे, देखो मॉल, देखो ये गाड़ियों का सिस्टम, देखो यहाँ पे गाड़ियाँ इतने नियम से चलती हैं, आपको गाड़ियाँ एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांसेस है, होते हैं यहाँ भी है, कहाँ नहीं होते, बट बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। एज अ इंडिविजुअल मैं आपको यही राय देना चाहता हूँ कि यार अगर आपको अब्रॉड आना है ना, आपको दिख रहा है आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो भाई आप चूज करो अब्रॉड, ठीक है, मेहनत है हर जगह, मेहनत है इंडिया में भी, मेहनत है यहाँ भी, मेहनत है, मगर मैं मेरा मैसेज यही होगा कि हाँ भाई अब्रॉड चूज करो, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आप मेहनत करोगे, इंडिया में मेहनत करोगे ना तो इतने रिजल्ट नहीं मिलते एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो ब्रिलियंट है यार। अब जैसे हमारे माँ बाप भी पोस्टर देख के बता देते हैं ना, उसका पैकेज 80 लाख का लगा उसका, तो वो 1-2 लोग ही है, ठीक है, वो पर्टिकुलर लोग ही हैं जिनके ऊपर पूरी एग्जाम्पल दे रहे हैं करोड़ों को कि हाँ उनके जैसा बनना है, भाई उनके जैसा हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है, ब्रिलियंट माइंड है, और इंडिया में कंपटीशन पढ़ाई में बहुत है, तो
तो आप चूज करो आपके लिए सही क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप करो। और भाई अर्निंग की बात करते हैं तो अब यहाँ पे मैं लैंड किया, मैंने भाई बहुत मेहनत की। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, किसी किसी महीने आप 6,000-8,000 डॉलर भी कमाओगे, किसी महीने आप 4,000 डॉलर पे भी जाओगे, जब आपकी यूनी होगी तो आप 3,000 पे भी आओगे। मगर मैं यही कहूँगा जब बिजी होगा, जब आप फ्री होगे तो आप इतना मेहनत करो कि आप महीने के अच्छे कमा लो, ताकि आपको बाद में स्ट्रेस ना लेना पड़े अपनी फीस वगैरह का। तो यही सब कैलकुलेशन है जो है, बाकी आगे वाली आगे आएंगे और वीडियोस है ना, आप चैनल में बने रहोगे तो मैं और आपको चीज़ें बता पाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही भाई, ठीक है, ऐसे प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, और भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो अपने अपने इंडिया आना है, बहुत प्यार दो, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।